नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र तोमर। स्वागत है आप सभी देखने वालों का स्पीड 50 एवरीथिंग में। तो दोस्तों एक बार फिर लेकर आ गया हूं आपको हीरा मोटर्स करोल बाग नाईवाला में। बहुत बढ़िया लाइनअप इन्होंने रॉयल इनफील्ड का लगा रखा है आज हमारे लिए। तो वाइट कलर में मिलेगी, ब्लैक कलर में मिलेगी, चेरी कलर में मिलेगी। बहुत बढ़िया कंडीशन में बाइकें आज इनके पास खड़ी हुई हैं। तो सभी रॉयल इनफील्ड की डिटेल्स लेंगे, कितना किलोमीटर चली हुई है, क्या डिमांड रखी गई है। तो राम भैया से मिलेंगे और सारी बाइकों की लेते हैं डिटेल्स। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। भाई हमारे पास गन मेटल कलर में 350 खड़ी हुई है, कौन सा मॉडल है? ये 18 मॉडल है। चली हुई कितना होगी? 13,000 चली हुई है। 13,000 किलोमीटर चली हुई है। और ओनर फर्स्ट है सेकंड? फर्स्ट था। फर्स्ट ओनर है। हाँ जी। डिमांड क्या रखी है इसकी? 138,000। 138,000। बाइक में कुछ सामान वगैरह बाहर से कुछ लगा हुआ? बाहर से अलॉय व्हील लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें अलॉय व्हील लगे हुए हैं और लेग गार्ड वगैरह ये बाहर से लगा हुआ है? ये बाहर से लगा है। और कुछ सामान जो कम गाड़ी में बाहर से लगा हो? और ये सीट कवर डले हैं। अच्छा, ये सीट थोड़ा अलग बाहर से लगी हुई है। ये सीटें भी, सीटें देख सकते हो, थोड़ा बाहर से अलग लगी हुई है। बाकी आपको बाइक दिखाई दे रही होगी, कहीं कुछ ऐसा मेजर स्क्रैच वगैरह या ऐसा कुछ बाइक पे है नहीं? बाकी बाइक का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो रहा हो, ऐसा कोई डरने वाली बात तो नहीं है? नहीं नहीं। और एक बार फिर कंफर्म कर लेते हैं, डिमांड इसकी क्या बताई आपने? 138,000। 138,000। आगे आ जाते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड 350 खड़ी है। स्टैंडर्ड ही है ना ये? हाँ जी, एक और आगे स्टैंडर्ड 350 खड़ी है हमारे पास बुलेट। ये वाला मॉडल कौन सा है? ये 18 मॉडल है, 2018। हाँ जी। चली कितना होगी ये? ये चली हुई है भाई साहब 5,000 किलोमीटर ये बाइक चली हुई है। ऑनर फर्स्ट है सेकेंड है? फर्स्ट है, फर्स्ट ऑनर है। बाकी आप कंडीशन देख सकते हैं बाइक की, लेग गार्ड वगैरह लगा हुआ है बाइक के अंदर और पूरी बाइक शाइनिंग मारती हुई बाइक है। कहीं कोई स्क्रैच वगैरह ऐसा कहीं कुछ बाइक पे आपको दिखने वाला नहीं है। इसकी डिमांड क्या रख रखी है भैया? 1,20,000। 1,20,000, उसमें थोड़ा बहुत कम हो जाता है जब कस्टमर आके आपसे बात करता है। आगे इसी के साथ में एक और बाइक सागर भाई आगे आ जाते हैं, ये वाली बाइक दिखा देते हैं। ये भी 350 है? हाँ जी 350 है। ये वाला कौन सा मॉडल बताया आपने? 2017। ये चली कितना है? ये 9,000 किलोमीटर। 9,000 किलोमीटर चली हुई है। और डिमांड इसकी क्या रखी है? 1,20,000। 1,20,000। बाइक में कुछ बाहर से लगा हो? बाहर से कुछ नहीं लगा हुआ। कुछ नहीं लगा हुआ। बाकी ये थोड़ा जो क्रैश गार्ड है ये अपना लेग गार्ड अलग से थोड़ा लगा हुआ है, कुछ बढ़िया रस्सी वस्सी लगा के लगा रखा है। बाकी आ जाते हैं इधर सागर भाई, ये वाइट कलर में मिल जाती है हमको। ये भी 350 है अपनी क्लासिक, ये वाइट कलर में है। ये वाला कौन सा मॉडल है? ये भी 17 है। ये भी 17 है। चली कितना है ये वाली? ये 15,000 चली हुई है। 15,000। ऑनर फर्स्ट है? देखना पड़ेगा वो तो पेपर। अच्छा, इसका ओनर देखना पड़ेगा। हाँ। और डिमांड इसकी क्या रखी है? 1,20,000। 1,20,000। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इसी के साथ में ये भी वाइट कलर की एक और आ जाती है आगे। आगे एक और सागर भाई, ये भी दिखा दो अच्छे से, थोड़ा एलॉय वगैरह लगे हुए हैं बाइक के अंदर। ये वाली भी 350 है अपनी? हाँ जी 350 है। एक बार दिखा दो इसमें, ये थोड़ा सामान लगा है। 18 मॉडल है। अच्छा, 2018 मॉडल है। इसमें एलॉय वगैरह लगे हुए हैं, थोड़ा एक टैटू वगैरह भी लगा रखा है। 12,000 चली हुई है। 12,000 किलोमीटर चली हुई है। ओनर फर्स्ट है सेकंड है? देखना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, देखना पड़ेगा। बाकी एलॉय लगे हुए हैं बाइक के अंदर, कंडीशन वाइज ठीक ठाक है। बाकी बाइक का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं? कुछ नहीं। बाकी ऑन रिकॉर्ड रहती है ना सब? पेपर वगैरह मिल जाते हैं? पेपर वगैरह सब कंप्लीट मिलेगा, सब मिल जाएगा। बाकी शोरूम में ले आके अगर चेक कराते हैं तो पूरा डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। हाँ जी। और डिमांड इस वाली की क्या रखी है? 1,32,000। 1,32,000 ठीक है। आगे हमें ब्लैक कलर में भी मिल जाती है एक और, ये नॉर्मल व्हील वाली है। हाँ जी ठीक है। 350। ये वाला मॉडल कौन सा? ब्लैक 2017। और डिमांड इसकी क्या रखी है? 1,20,000। 1,20,000। 1,20,000 रुपये बाइक आप देख सकते हैं। एक बार अच्छे से सागर भाई बाइक दिखा दो, कंडीशन देख लो बाइक की। चली कितना ये वाली? 11,000। 11,000 किलोमीटर। हाँ जी। इसका ओनर फर्स्ट है सेकंड है? फर्स्ट है ये। ये फर्स्ट ओनर है। लेग गार्ड देख सकते हो इसका, अलग टाइप का कुछ लगा हुआ है। बाकी टैंक पैड तो लगे ही होते हैं सभी में। हाँ, वो तो सब वो कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन है वो तो सभी में लगे रहते हैं। इसकी डिमांड क्या रखी है? 1,20,000। 1,20,000 में थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा? हाँ जी, जब कस्टमर आता है तो। हाँ जी। बाइक की फाइनेंस की सर्विस मिल जाती है?
फाइनेंस वगैरह की सर्विस मतलब ऑल ओवर इंडिया में देते हैं या सिर्फ दिल्ली वाली वालों दिल्ली मतलब दिल्ली का आधार कार्ड से नाम कराने के लिए मतलब दिल्ली वालों को फाइनेंस की सर्विस देते हैं बाहर वालों को फाइनेंस बाहर बाहर वालों को नहीं देते हैं। और अगर दिल्ली में जैसे हर बंदा फाइनेंस हो जाता है या कोई कुछ नहीं जैसे मतलब फाइनेंस कराना हो तो दिल्ली का मतलब यही कि बंदा चाहिए अपना मकान चाहिए अपना मकान जी मतलब अपना मकान होना जरूरी है जरूरी और आपको फाइनेंस की सर्विस चाहिए तो हाँ। तो हमारे पास रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड भी खड़ी हुई है 350 है कौन सा मॉडल है ये 15 मॉडल है 2015 चली हुई कितना होगी ये 16,000 किलोमीटर ये चली हुई है और इसकी डिमांड आपने क्या रख रखी है 92 में आपको 350 मिल जाएगी थंडरबर्ड 2015 का मॉडल है। बाइक का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो रखा हो या इंजन का कुछ नहीं कुछ कोई काम नहीं ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है ना। ऑनर ये फर्स्ट थी ना हाँ जी फर्स्ट ऑनर है बस एक और बहुत प्यारा कलर है इसका रेड कलर है हाँ जी चेरी कलर में 350 खड़ी है कौन सा मॉडल है 17 मॉडल 2017 हाँ जी चली कितना होगी ये 4,000 चली हुई है 4,990 ओनर फर्स्ट है सेकेंड है बाकी आप इंजन वाइज देख लो कहीं कुछ ऐसा दिखने वाला नहीं है कहीं कॉइल का निशान भी आपको पूरी बाइक पे कहीं दिखाई नहीं देगा इंजन के ऊपर कंडीशन देख सकते हो बाइक की कितनी प्यारी कंडीशन में है बाइक इसकी डिमांड क्या रखी है 1,20,000 तो 1,20,000 में आपको मिल जाएगी मॉडल कौन सा बताया था 2017 का मॉडल प्राइस अगेन मैं बोलता हूँ नेगोशिएबल है थोड़ा बहुत कम ये कर देंगे और 350 खड़ी हुई है ये वाला मॉडल कौन सा 2017 ये कितना चली हुई है 12,000 किलोमीटर चली हुई है और डिमांड इसकी क्या 1,20,000 हाँ जी 1,20,000 में 2017 का मॉडल आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों हीरा मोटर्स का जो स्टॉक दिखाया जो बाइकें दिखाई उनकी डिटेल अच्छे समझ में आ गई होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई शॉप पे किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए मैं जितेंद्र तोमर लेता हूँ आप सभी लोगों से अलविदा।